नमस्कार, मैं नृत्य निर्देशक सुनील मोटवानी, सीएम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आप सभी दर्शकों से ये कहता रहूँगा कि सीएम इंडिया चैनल को ज़रूर देखें और देखते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर नए कलाकार, नए पुराने, अपकमिंग टैलेंटेड सबको कवरेज करते हैं, उनके भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके दिल की बात को हर कोने कोने, हर जगह, हर लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं फिर से आप सब दर्शकों से यही कहूंगा कि सीएम इंडिया टीवी को देखना ना भूलें और हर वक्त, हर पल, हर जगह देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, सीएम इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। सुनील मोटवानी जी, आपने अभी एक भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट किया है, बताएं सुनील मोटवानी जी, आपने उस फिल्म को कैसे बनाया? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार कहूँगा, सीएम इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील मोटवानी, नृत्य निर्देशक बनते करते करते हुआ कि एक भोजपुरी फिल्म एज एन डायरेक्शन भी करूँ, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा सब्जेक्ट मिला जो माइंड में था, बस वो प्रेजेंट कर दिया। फिल्म का नाम क्या है मोटवानी जी? फिल्म का नाम है सनम परदेसिया। एकदम प्यारी सी शॉर्ट कहानी है कि किस तरह से ट्रायंगुलर लव स्टोरी है मर्दों और औरतों के प्रति, किस तरह औरतें सेक्रीफाइस करती हैं, किस तरह मर्द खुद सेक्रीफाइस करता है, मगर अंत हैप्पी ही होता है अगर सबका इंटेंशंस साफ हो और ठीक तरह से हो, मतलब कोई भेदभाव ना हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसी तरह मोटवानी जी सिंधी परिवार से जुड़े हैं और एक बड़ा सुखद अनुभव होता है जब कोई गैर भाषी भोजपुरी फिल्म बनाता है उसकी भाषा में आके, और एक गहरा अनुभव लेके जो इन्होंने अपनी चीज़ें दी हैं भोजपुरी में, ये क्या अनुभव किया आपने? भोजपुरी को लेके काम करने का ही क्यों सोचा, इसके बारे में बताया? ऐसा कुछ नहीं था, ये मैं तो सब भाषा में करना चाहता हूँ, हर तरह के, एक्चुअली भाषा से मतलब नहीं, मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमारी सभ्यता, हमने जो सीखा है, हमने की वो सबको सिखा सकें, दिखा सकें और सबको मनोरंजन कर सके, एंटरटेन कर सके, बस इसी। बाकी ये भोजपुरी हो या गुजराती हो या मराठी हो या और, उससे कोई मायने नहीं, बस एक जो सीख हमारे हमने से सीखा है वो हम दिखाना चाहते हैं, अच्छी अच्छाई है, बुराई बुराई है। तो इस फिल्म में आपने क्या समाज को दिखाने का प्रयास किया है, इसके बारे में ज़रा दो शब्द बताएं। इसमें मैं ये दिखाने के ये प्रयास किया है कि जिस तरह हमारी भोजपुरी फिल्मों में, बॉलीवुड की तो बात अलग ही है कि उसमें जो है सो है, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल्स है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, अगर हम कल्चर को बांध के चले, कल्चर के साथ चलें, जो हम करेंगे कल के हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, हमारे घर के परिवार में सदस्य हैं, उनको भी हम गलत मैसेज ना दे सकें, इससे जो अगर हम लोग कल्चर के साथ चल रहे हैं, उसके सभ्यता को लेके चल रहे हैं, तो वही दिखा, जिस तरह से हमारे भोजपुरी फिल्मों को बहुत कम अप्रिशिएट किया जा रहा है आज तक, आजकल, तो क्यों ना हमने सोचा कुछ नया किया जाए। वैसे तो इस तरह से बहुत लोगों ने भी कोशिश की है और कर ही रहे हैं, उसी साथ हमने भी एक प्रयास किया हुआ है कि वो अश्लीलता के ना रहे, क्यों हमारी औरत, अगर हम औरतों का सम्मान करेंगे तो क्या बात है। बहुत अच्छी बात है, आपने जो आजकल भोजपुरी में अश्लीलता का जो बाजार चल रहा है और बहुत सारी हो हल्ला ये सब मचा हुआ है, आपने बड़ी अच्छी सोच कि भोजपुरी में अश्लीलता ना हो, इस तरह की फिल्में आप बनाने के लिए आगे आए। और क्या क्या कठिनाइयाँ आई मोटवानी जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? वैसे इतने में कठिनाइयाँ नहीं बोल सकता हूँ, ये तो बस जो बोलते कठिनाइयों को पकड़ के हम ये कह ले भाई ना ये ऐसा हुआ, नहीं, कठिनाइयों को भी एंजॉय करना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी कि जो अच्छा ही है तो एंजॉय है, तो कठिनाई है तो भाग जाए, नहीं, उल्टा कठिनाइयों से हमने एंजॉय किया, कठिनाइयों को ही हमने प्रेजेंट, कठिनाइयों ने हमें साथ दिया। क्या बात है। भोजपुरी को समझने में आपको दिक्कत हुई होगी, कैसे आपने काम किया निर्देशन में? ना ऐसे तो दिक्कत तो नहीं है, वैसे मैंने एज ए भोजपुरी में कई फिल्में एज ए नृत्य निर्देशक कर चुका हूँ, तो उसमें और मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे कलीग, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बस भोजपुरी समाज ही है, बस अपना घर ही है, अपने ही सब हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई मुझे। इसके लिए लोकेशन आपने कहाँ चुना था इसके लिए?
ये हमने रांची में किया है, या मुंबई में, मुंबई साइड किया है, पालघर वगैरह दैट साइड, 5-6 लोकेशन पे शूट किया है हमने इसको। स्टार कास्ट के बारे में बताएंगे? हाँ, इसमें इस फिल्म में स्टार कास्ट है हमारे अजय दीक्षित जी हैं, और विजय राज है, दीपक शिर्के जी, गजेंद्र चौहान, अनुश्री साहू, ज्योति मिश्रा और कई कलाकार हैं, और मुन्ना मोबाइल, मिस्टर राहुल खन्ना जी हैं वो हैं, ऐसे कई कलाकार हैं इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे। मतलब आजकल जैसे भोजपुरी में भी एक मार्केट बना हुआ है, लोग कहते हैं मार्केट के आर्टिस्ट, तो वो बिल्कुल आपने डिफरेंट अलग आर्टिस्टों को लेके ये फिल्में बनाई हैं, एक चुनौती का काम किया है आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भोजपुरी फिल्में बन रही हैं वही चेहरा, वही हर जगह, वही सारी ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल आपने जो एक नया चीज़ देने की कोशिश की है तो बिल्कुल अलग है, तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी आपने लिया हुआ है, और मुझे लगता है कि नो रिस्क नो गेम, तो अगर आपने रिस्क उठाया है तो ज़रूर जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये जज्बात है और इस जज्बात को हम लोग सलाम करते हैं, और आप आगे आए और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की इसके लिए। और फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो भोजपुरी का जो दौर चल रहा है, जो अश्लीलता को ही हम लेके बात करते हैं, तो उसमें आपने ये, चूँकि बिल्कुल आपका सब्जेक्ट तो चूँकि बताया आपने अलग है, आगे भी आप फिल्म बनाने जाएंगे मुझे लगता है, बनाएंगे और हम चाहेंगे भी कि आप बनाएं, तो क्या और आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरह की और फिल्में, आपने क्या देखा कि भोजपुरी में और बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो बदलाव की बात नहीं बोल सकता मैं, कि मैं एक अकेला बदलने वाला कुछ नहीं हूँ, अगर पूरा समाज हमारा साथ दे तो सब कुछ बदला जा सकता है। बाकी जैसे मेरे आगे की जो कंटेंट्स है रियलिस्टिक ही रहेगी और ओरिजिनली पे ही रहेगा, जिसमें एक मैसेज ही होगा, सत्य घटना पे आधारित होगी आपकी फिल्म। ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक अच्छी पहल की है, इसके लिए हम लोग अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं, और अच्छी फिल्में आप बनाइए। मोटवानी जी, कुछ और आपके दिल की बात दर्शकों से कहना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से ये कहूँगा कि इस फिल्म में आपको गाने बहुत अच्छे, सुंदर लफ्ज़ों में, सुंदर अल्फाजों से, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर अनुज तिवारी जी हैं, उन्होंने म्यूज़िक दिया हुआ है, और अच्छे अच्छे नए टैलेंटेड लड़कों ने और आर्टिस्टों ने शब्द लिखे हैं, गाने लिखे हैं, और हमारे इस फिल्म में कई अच्छे फेमस सिंगरों ने हमें सपोर्ट किया, जैसे दीपा नारायण जी, अलका जा जी, फिर आलोक कुमार जी हैं, और फिर आपके मोहन राठौर जी ने गाए हैं इसी तरह, और प्रेरणा जी हैं, सब अच्छे, सब बेहतरीन कलाकार प्रीवियस सिंगरों ने हमें सपोर्ट किया इस फिल्म के गानों के लिए, और आप ये गाने सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और सबसे डिफरेंट होगा। हाँ, मेलोडीज़ है, एक्शन मेलोडीज़, मस्ती मजाक सब रहेगा, बस कहीं शायद कहेंगे पांचों उंगलियाँ तो बराबर होती नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को जो चीज़ मैंने ना दिखाई है वो उसकी शायद कमी हो भी सकती है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहूँगा, उन दर्शकों के लिए जिनको उन चीज़ की कमी हो, और आप सबका प्यार और आपका सबका आशीर्वाद मुझे बनाए रखें। मोटवानी जी, आपको, आप फिल्म बनाने आए होंगे, आपको बहुत सारे नाम सजेस्ट हुए होंगे कि स्टारों को लेके बनाइए, बड़े जो अपने भोजपुरी में स्टार जो कहे जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने नए कलाकारों को लेके मौका दिया, नए कलाकारों से मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नए नहीं हैं जिन्होंने स्क्रीन पे अपना काम भी किया हुआ है, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि एक बार नए स्टारों को लेके बनाना चाहिए, या फिर नए स्टारों को लेके बनाने का क्या वजह रहा? वजह तो वैसे कुछ नहीं था, वजह एक्चुअली ये भी है क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट स्टारों के लिए नहीं था, ये सब्जेक्ट एक कैरेक्टरों के लिए था, और वो सब्जेक्ट को अगर वो कैरेक्टर खुद को जी सकता है, मुझे वैसा है हीरो, वैसे हीरोइन चाहिए, हीरो हीरोइन तो वो लोग अपने आप में है ही, लेकिन जो एक कैरेक्टर चाहिए थे मुझे, मैंने इसलिए इस फिल्म के अंदर मैंने नए चेहरों को लाने की कोशिश की और एक प्रयास किया मैंने। बाकी मैं मुझे अच्छे मार्केट के सेलिब्रिटीज ले सकता था, अच्छे अच्छे नाम है कलाकार, नो डाउट सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं और अच्छे से काम करते ही आ रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी क्या इस फिल्म के बाद अगर सब दर्शकों का और उन सबका प्यार और आशीर्वाद रहा तो शायद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उनके साथ भी करने का मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। आपने थिएटर आर्टिस्टों को आपने ज़्यादा मौका दिया, तो इसके प्रति आपकी एक अच्छी सोच क्या रही थी, इसके बारे में बताएं? थिएटर, क्योंकि थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं उन्हें एक ही टेक मिलता है, और वो होता है नो टेक,
वन शॉट, और हमारे फिल्म के जो एक्टर्स होते हैं उनको 10 टेक 20 टेक 15 टेक 10 टेक मिल ही जाते हैं। बस ये एक डिफरेंस था, इसलिए मैंने कहा ना कि मुझे इस फिल्म इस सब्जेक्ट में मुझे कोई एकदम स्मार्ट स्टार एकदम चॉकलेटी हीरो की ज़रूरत नहीं थी, मुझे एकदम स्मार्ट हॉट एकदम हिरन की ज़रूरत नहीं थी, मुझे चाहे एक साधारण कैरेक्टर जो होता है हमारे घरों में हमारे गाँव में हमारे सब जो जीते हैं मुझे इस सब्जेक्ट में वो लोग चाहिए थे। इसलिए मैंने उस तरह के कास्टिंग की कि ज़रूरत नहीं है कि हीरोइन ही एकदम स्मार्ट दिखनी चाहिए, हीरो भी एकदम स्मार्ट दिखना चाहिए ना, जैसे है वैसे कर हम उन्हें प्रेजेंट करें कि हमारे कैरेक्टर को किस तरह से दिख सकते हैं। मोटवानी जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने समय दिया अपनी कीमती समय को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जी बिल्कुल शुक्रिया, मैं भी सीएम टीवी को दर्शकों का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।